पाकिस्तान की किस्मत क्या बोले, बड़ी खराब है। खराब ऐसे पाकिस्तान को नहीं रखा गया है। आपको वो बुलाए, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामला ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है। आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो। और आपको पता है, इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। ये मैंने पहले भी कई दफा कहा था, इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है। जहां ब्रिक्स में एंट्री नहीं मिली पाकिस्तान को, क्या पाकिस्तान को तो मिलनी ही नहीं थी। अभी इंडिया और ब्राजील ने मिलकर के तीन कंट्रीज की एंट्री रोकी। आपके मैले कुचाले कपड़े, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई, पहले अपनी हालत तो ठीक करो, तब आपको को बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। और बताया यही जा रहा है कि जी चाइना ने बहुत कोशिश की कि ब्रिक्स में पाकिस्तान को भी इन्वॉल्व किया जाए या पाकिस्तान को भी ऐड किया जाए, पाकिस्तान का नाम भी शामिल किया जाए, मगर ऐसा हो नहीं पाया। और उसकी वजह यही बताई जा रही है कि भारत को पसंद, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया और हम अभी भी उसी के उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं, कि हमारा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके, मैं कहता हूँ कि 10% पे भी नहीं खड़े इस टाइम। उसकी हम आर्मी देख लें, उसके हम वेपन्स देख लें, उसकी हम जितनी भी आप मतलब मिसाइल देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, वो आईटी में दुनिया को इस टाइम लीड कर रहा है। पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। इंडिया ने पिछले साल भी वीटो कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ख्वाहिश अधूरी रह गई। और इस साल भी रशिया ने पाकिस्तान को सीधी सीधी जो है हरी झंडी दिखा दी है। ये तो वही बात है, पुराना मुहावरा है कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद ना। तो पाकिस्तानियों की तो ख्वाहिशें इतनी है, दुनिया में शायद किसी की है ही नहीं है। हमारी आवाम की भी बहुत ख्वाहिशें हैं, हमारे हुक्मरानों की भी बहुत ख्वाहिशें हैं, मगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ काम करना पड़ता है, कुछ वर्क करना पड़ता है। आपको वो बुलाए, आप इस काबिल तो पहले हो जाओ। आपके अपने मुल्क के मामला ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है। आप किस मुँह से कहते हो हमें बुला लो। आपके मैले कुचाले कपड़े, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई, पहले अपनी हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। आपकी जब हालत ही ठीक नहीं है, अगर वहां पे जाके उनकी पार्टी भी खराब करनी है, उनका माहौल भी खराब करना है, पहले अपने मुल्क को ठीक करें, फिर जाके डिमांड करें। देखिए, किसी के भी बड़े घर में जाए ना तो वो उसको कहें मुझे क्यों नहीं बुलाया, वो कहता तेरी हालत है बुलाने वाली, तेरी औकात ही नहीं है बुलाने वाली। तेरी औकात ही नहीं है, पहले औकात तो ठीक करें ना, हमें अपनी औकात ठीक करनी चाहिए। अब देखें, एक ही दिन हम आजाद हुए, पाकिस्तान इंडिया एक ही दिन आजाद हुआ है। हमसे वो बहुत पीछे थे, हम बहुत आगे जा रहे थे, फिर क्या कयामत आई है कि हम पाकिस्तानी पीछे हो गए और इंडिया वाले आगे हो गए हैं। क्या उनको अल्लाह पाक ने ज्यादा नवाज दिया है, क्या मतलब है कि उनको उनके भगवान ने ज्यादा नवाज दिया है? एक ही खुदा है पूरी दुनिया में, एक ही अल्लाह है। ठीक है, पाकिस्तानियों का भी अल्लाह है, उनका भी वही अल्लाह है, तो क्यों नहीं हम सुधरते? हम क्यों हमेशा दूसरों को कहते हैं कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने मुझे शादी पे नहीं बुलाया, तुमने ये नहीं किया? ओ भाई, क्यों बुलाएं? पहले अपने अपने आप को ठीक करो, तब आपको बुलाएंगे, फिर आपकी इज्जत करेंगे, फिर आपकी बात भी सुनेंगे। देखिए, इंडिया का साफ साफ ये मौकफ है कि हम एक मुल्क के साथ, एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते जो दहशत गर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशत गर्दी करे, तो ऐसे लोगों के साथ हम एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। देखिए ना, अभी अफगानिस्तान का भी एक दो दिन से मसला चल रहा है जी, वो पाकिस्तानी तराना चला है, उनके लोग नहीं खड़े हुए। ओ भाई, वो क्यों खड़े हो? हमारे तो अपने मुल्क में तराना चल रहा होता है, आधे लोग बैठे होते हैं, हम दूसरों को कैसे खड़ा कर सकते हैं? ठीक है, और पाकिस्तान मतलब है कि जो हमारे तराने का मतलब है, वो तो किसी को पता नहीं है कि किस लिए तराना बना था, ये इसका क्या मकसद था, हम क्या उस पर अमल कर रहे हैं, क्या हमने अफगानियों के साथ कोई अच्छा किया हुआ है? जब हमने 17 लाख अफगानी यहाँ लाए थे तो हमें डॉलर मिले थे, उनके पैसे मिले थे, बाहर से एड आती थी, सऊदीया से हर साल हज के बाद इतना गोश्त आता था, उनको बांटा जाता था, हमने उनके पैसे खाए हुए पाकिस्तान ने। अब वो कहते हैं हमारे वो डॉलर भी दो, हमें तुमने मुफ्त में नहीं रखा था, आपने हमारे पैसे खाए हुए हैं। जब देखे ना, हम हर तरफ से चोर हैं, हर तरफ के किसी के पैसे खाते हैं, हम बस हमारा एक ही काम है, और जी इंडिया हमें मार गया, इंडिया ने हमें ना कुछ बनने नहीं दिया। भाई, इंडिया कौन सा यहाँ आके बैठा हुआ है, कौन से आपके इदारों में इंडियन बैठे हैं? यकीन करें, किसी सरकारी इदारे में जाए ना, उसको बोले ये काम करो, कहते ले मैं तो पैसे दे के आया,
मैं तो 1 करोड़ रुपए रिश्वत दे के इधर बैठा हूँ, मैं काम करूंगा। अगर आप मेरा ऑनेस्ट रिव्यू लें तो हम तो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते, और हम बार बार ना इंडिया को बीच में लाते हैं कि इंडिया जो है ना उसकी वजह से हमारे साथ मसले हो रहे हैं। असल में ये मसले हमारे अपने वजह से हो रहे हैं और हमारी अपनी कोताहियाँ, अपनी गलतियाँ, हम दुनिया के वॉस्ट तरीन पासपोर्ट्स में शामिल हो चुके हैं और हम किसी भी डोमेन के अंदर, हम जिस भी डोमेन में अगर हम कहीं पे ऊपर जा सकते हैं तो उसके अंदर हमारे पे ऐसे ऐसे टैक्स लगा दिए जाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं की जाती, हर बंदा जो है यहाँ पे परेशान है। और आपको हमें ये लगता है कि ये चीज़ें हमारे लिए मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ग्रोथ से मतलब मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। और अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखें, उनके डायरेक्शन होती है कि उन्होंने 5 साल में 3 साल में 10 साल में यहाँ से यहाँ पहुँचना है। हम आने वाले हर 5 साल पर देखते हैं कि हम आगे जाने के बजाय पीछे को जा रहे हैं। सही, हम पत्थर के दौर में चले गए। अब आप देखें कि पाकिस्तान में फायर वॉल लगा दी गई है, दुनिया 5G यूज़ कर रही है, 6G की तरफ जा रही है। एक बिजनेस बचा था, मिसाल दे रहा हूँ आपको, ई कॉमर्स का बिजनेस था, जो लोग अपना घर बैठे ऑनलाइन काम कर रहे थे उसके ऊपर भी जो टैक्सेस थे उन्होंने ऐसे लागू कर दिए कि कोई बंदा उसको सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर यही वजह है कि मतलब कि क्रिप्टो करेंसी है, आईटी का सेक्टर है, कोई भी डोमेन है, फिजिकल बिजनेस वाले हैं, ऑनलाइन बिजनेस वाले हैं, जहाँ से उनको लगता है ना कि पाकिस्तानी कौम को फायदा हो रहा है उसके ऊपर वो टैक्स लगा देंगे और ऐसी ऐसी पाबंदियाँ लगा देंगे। लोग फिर ऐसे मौक़ों के ऊपर क्या होता है कि लोग अंदर से एक वो नफरत का शिकार हो जाते हैं। और अब अगर आप यही सवाल किसी डेवलप कंट्री के किसी सिटीजन से पूछेंगी तो वो अपने मुल्क को डिफेंड करेगा कि नहीं हमारा मुल्क डिफेंड कर, हमारा मुल्क जो भी डिजर्व करता है जाना। लेकिन हम क्या करते हैं, इंडिया पे लगाना शुरू कर देते हैं, उस पर बहुत आन लगाना शुरू करते हैं, हम अपनी कोताहियाँ नहीं देखते। वो कहते हैं ना जब तक कोई कौम अपनी हालत खुद नहीं बदलेगी तब तक हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। कहते हैं कि इंडिया हमारी टांगे खींच रहा है, इंडिया नहीं चाहता कि पाकिस्तान उसके लेवल पर। नहीं नहीं, वो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं कि उसके पास इतना टाइम नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपने आप को बनाने में इतने मसरूफ हो जाओ कि किसी और पे उंगली उठाने का वक्त ना मिले। इंडिया ये काम कर रहा है, वो हमसे बहुत ऊपर चला गया और हम अभी भी उसी मुकाबलेबाजी में कि हम उसे ऊपर जा सकते हैं, कि हमारा कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है, बिल्कुल भी नहीं है। हम उसके, मैं कहता हूँ कि 10% पे भी नहीं खड़े इस टाइम। उसकी हम आर्मी देख लें, उसके हम वेपन्स देख लें, उसकी हम जितने भी आप मतलब मिसाइल देख लें, आईटी सेक्टर देख लें, वो आईटी में दुनिया को हम लीड कर रहा है। जितनी दुनिया के बड़े कंपनीज हैं सारी की सारी आईटी की, वो इंडिया में बैठ के लीड। और हम हमेशा ये मुकाबलेबाजी करते हैं कि इंडिया इंडिया, ये सब जो है ना मिथ है और हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इसमें हमें नहीं पार्टिसिपेट करने दिया जा रहा तो ये हम डिजर्व ही यही कुछ करते हैं हमारे लिए। इंडिया ने साफ साफ कहा है कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते, तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करें, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करे। ऐसे ना आप क्या कहना चाहोगे इंडिया के इस मौकफ के ऊपर? उनका कहना है कि पाकिस्तान तो दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज में भी नहीं आता, इंडिया डिजर्व ही नहीं करता। बिल्कुल ठीक है, इंडिया ने बिल्कुल 110% ये कहा पाकिस्तान डिजर्व करता है। मुझे ये बताएं कहाँ से डिजर्व करता है? हमारे हालात देखे, हमारी चीज़ें देखे, कहाँ पे अभी तक वहाँ के वहाँ ही है। इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया? हमारे अफगानिस्तान हो गया, दूसरे बलूचिस्तान हो गया, यहाँ पे दहशतगर्द निकल रहे हैं, हमारे अपने मुल्क को ही नहीं छोड़े। तो इंडिया ने कहना ही है वो आगे से आगे निकल रहे हैं, हम लोग वहाँ के वहाँ बैठे हुए हैं। बेसिकली बात बता क्या है, ये लोग कुछ कर नहीं सकते, वो दूसरों के ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो इंडिया ने हमें ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। पहले इस काबिल तो हो जाओ कि इंडिया का मुकाबला तो कर लो, फिर जाके दूसरे मुल्कों के साथ आप खड़े हो सकते। शर्म से डूब मरने का मुकाम है हमारे लिए। कल की खबर आपने देखी होगी कि जो अफगान तालिबान हैं वो पाकिस्तान के नेशनल एंथम को किस तरह डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। नेशनल एंथम चलाया गया तो वो लोग बैठे के बैठे रह गए, पूरा हॉल खड़ा था, लेकिन अफगान तालिबान जो थे वो अपनी सीटों पर ब्रा जमानते, उन्होंने खड़े होने की जहमत ही नहीं की।